अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है खुरम नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न फॉर फ्यूचर। आज की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने अपनी एक न्यू अपडेट शेयर की है जिसमें अपने सालाना इनकम के बारे में बताया है और साथ बहुत ही अच्छी खबर पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने अपने फ्यूचर प्लान शेयर की हैं। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है ताकि कोई प्राइस मिस ना हो आपसे। पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने अपनी वेबसाइट की लुक चेंज की है। लुक चेंज करने के साथ साथ न्यू अपडेट भी शेयर की हैं, न्यू ऑप्शन भी ऐड किए हैं जिसके अंदर एक ऑप्शन बजट का है जिसमें उन्होंने अपने इनकम के बारे में बताया है। इनकम में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2015 एंड 2016 के अंदर जो प्रपोज इनकम है वो 8 करोड़ है, जिसके अंदर एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो 2.5 करोड़ है। इस तरह 2014 एंड 2015 के अंदर प्रपोज इनकम जो है वो 7 करोड़ है और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो 2 करोड़ है। इस तरह 2013 एंड 2014 के अंदर प्रपोज इनकम 5 करोड़ है और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो 1.3 करोड़ है। इस तरह 2012 एंड 2013 के अंदर आप देख सकते हैं प्रपोज इनकम 5 करोड़ एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस 1.2 करोड़। अगर इस ग्राफ को हम देखें तो इसके अंदर इनकम काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। इसी के पेश नज़र पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने फैसला किया है कि न्यू स्टेप लिए जाएँ, जिसके अंदर पहले नंबर पर है कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल एक न्यू बिल्डिंग बनाएगी और उसके साथ साथ पंजाब फार्मेसी काउंसिल अपने एग्जामिनेशन सेंटर बनाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि पंजाब फार्मेसी काउंसिल को मोस्टली इसी बात पर क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इनके एग्ज़ाम लेने का कोई स्केड्यूल नहीं होता, इनके अपने सेंटर होते नहीं हैं और फार्मेसी के एग्ज़ाम हर दफ़ा लेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें फार्मेसी टेक्नीशियन की तो ये 2 साल का कोर्स है, एग्ज़ामिनेशन लेट होने की वजह से ये ऑलमोस्ट 4 ईयर में कम्प्लीट होता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी खबर कि एग्जामिनेशन सेंटर के साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएगी जहां पर फार्मेसी टेक्नीशियन डिस्पेंसर पर्सन को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेक्स्ट, एग्ज़ाम लेट होने की वजह से प्री रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम करने का भी प्लान है अगर इसके अंदर सेंटर काउंसिल ने इजाज़त दी। नेक्स्ट बहुत ही अच्छी खबर, फार्मेसी स्कूल बनाए जाएंगे, जैसे कि नर्सिंग स्कूल होते हैं इसी तरह पंजाब फार्मेसी काउंसिल अपने फार्मेसी स्कूल बनाएगी जिसके अंदर डिप्लोमा और कोर्सेज करवाए जाएंगे और साथ फार्मेसी ट्रेनिंग भी होगी। लास्ट नंबर पर क्वालिफाइड पर्सन के लिए जैसा डिस्पेंसर के लिए रिफ्रेशर कोर्स कंडक्ट करवाएगी जिनसे इनके नॉलेज में इजाफा होगा और वो अच्छे से इंसानियत की खिदमत कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये न्यू अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।